क्वेश्चन नंबर 31, इवेलुएट -1/4 होल टू द पावर -3 इंटू -1/4 होल टू द पावर -2 -1/4 होल टू द पावर -3 -1/4 होल टू द पावर -2। तो यहाँ पे बोथ के बेस आइडेंटिकल है, तो हम इसके एक्सपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। सिंस वी नो दैट ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। और इसमें ये होगा -3, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा माइनस का, और फिर हम इसको लिख देंगे -5, और फिर -5 इसका एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो ये 1/4 का रेसिप्रोकल होगा 4/1। यहाँ पे हमने यूज किया है इस वाले लॉ को, वी नो दैट ए अपॉन बी टू द पावर माइनस एम इक्वल टू बी अपॉन ए होल टू द पावर एम। और -4 को 1 से डिवाइड करेंगे, ये -4 होगा टू द पावर 5, 1024। और इसके एक्सपोनेंट जो है वो ऑड नंबर है तो माइनस भी आएगा आंसर। ये अगर -1 के पावर ऑड नंबर हो तो ये माइनस में रिटर्न करता है, तो यहाँ पे ये 5 ऑड नंबर है तो इसलिए ये माइनस आया यहाँ पे, और अगर ये इवन होगा तो ये प्लस में आएगा आंसर।